हमारे सीरीज का तीसरा लेक्चर है 1.1 पे क्वेश्चन 5 सॉल्व करेंगे। जिसमें एफ ऑफ एक्स गिवन है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 और गिवन है एफ ऑफ 2 यानी 2 पे जो फंक्शन की वैल्यू है -3 एंड एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। हमने ए और बी फाइंड करने हैं। पहले एफ ऑफ 2 इक्वल टू -3 लें। एफ ऑफ 2 का मतलब है एक्स की वैल्यू 2 पुट कर दें से सिंप्लीफाई करेंगे फिर 8 + 1 9 -4a + 2b इक्वल टू -3 और -4a + 2b इज इक्वल टू -3 - 9 बाई टेकिंग कॉमन -2 फिर 2a - b इक्वल टू -12 -2 डिवाइड होगा तो 6 क्वेश्चन वापस आ जाएगी। हमने जितने भी कांस्टेंट फाइंड करने होते हैं उतनी इक्वेशंस की ज़रूरत होती है। उसके लिए एक कंडीशन उसने आपको एफ ऑफ 2 इक्वल टू -3 की दी थी और दूसरी कंडीशन है उसकी एफ ऑफ -1 इक्वल टू 0। अब हमने एक्स को रिप्लेस करना है -1 से इक्वल टू 0 ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास एक क्वेश्चन -a - b इक्वल टू 0 आ जाएगा। दो क्वेश्चंस को अगर हम सॉल्व करें तो हमें a और b की वैल्यूज मिल जाएंगी। उसके लिए हम इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे 3a कैंसिल हो जाएंगे इक्वल टू 6 a की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। ये a की वैल्यू आपने पुट कर लेनी है किसी एक क्वेश्चन में। अगर हम इसे 2 में पुट कर दें क्वेश्चन 2 हमारी -a - b इक्वल टू 0 -2 पुट करेंगे -2 इक्वल टू बी आर बी इक्वल टू -2। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं इसे रिपीट कर देता हूँ। वैसे भी हमने एक नया मेथड सीखा है जिसमें अगर किसी फंक्शन में कांस्टेंट्स आ रहे हैं तो उनकी वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं। उसके लिए उसने हमें एफ ऑफ 2 इक्वल टू -3 और एफ ऑफ -1 इक्वल टू 0 दिया हुआ था। पहले एफ ऑफ 2 इक्वल टू -3 तो एफ ऑफ 2 का मतलब है वैल्यू ऑफ एफ एट 2। वैल्यू ऑफ एफ एट 2 का मतलब है कि आप एक्स की जगह 2 रिप्लेस कर दें। जब एक्स की जगह 2 रिप्लेस किया 2 का क्यूब 8 आ गया 8 और ये प्लस 1 9 उस तरह राइट हैंड साइड पे जाएगा -9 यहाँ से -2 कॉमन ले लिया और -2 को सिर्फ -12 से डिवाइड करें तो 6। तो जैसे मैंने पहले बताया कि अगर हमें दो कांस्टेंट्स फाइंड करने हो तो हमें दो इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए उसने हमें ये दो कंडीशंस दी थी। तो जनरल तौर पर आपने याद रखना है जितने कांस्टेंट्स होंगे उतनी कंडीशंस आपके पास होनी चाहिए और जितनी कंडीशंस होंगी उतनी इक्वेशंस भी आपके पास बनेंगी।
इनको आप सॉल्व करेंगे तो आपको कॉन्स्टेंट्स मिलेंगे। तो दूसरी कंडीशन जो उसने हमें दी थी कि माइनस वन पे फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो है, तो इसका मतलब है कि एक्स की जगह माइनस वन को रिप्लेस कर दें इक्वल टू ज़ीरो, माइनस वन का क्यूब ले लिया, प्लस वन से कैंसिल, तो एक और इक्वेशन हमारे पास आ गई। इसको आप मुख्तलिफ तरीक़ों से सॉल्व कर सकते थे, यहाँ से या बी की वैल्यू निकाल के इस क्वेश्चन से यहाँ भी पुट करें तो फिर भी आपके पास दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाता। तो हमने यहाँ सिंपल किया है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया है, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं साइन चेंज किए हैं, साइन चेंज हुए हैं तो बी कैंसिल हो गया, तो आपके पास ए की वैल्यू आ गई। अब आपके पास फिर चॉइस है, आप ए की वैल्यू वन में पुट करें या इक्वेशन टू में पुट करें। मैंने इसे इक्वेशन टू में पुट किया है तो बी की वैल्यू माइनस टू मिल गई। Now we come to question 6. Question 6 में वो हमें बता रहा है कि एक पत्थर जो है 60 मीटर से नीचे फेंका गया है और उसकी जो नीचे गिरने की डिस्टेंस पे असर पड़ रहा है वो उस फंक्शन से या एक्सप्रेशन से फाइंड की जा सकती है। पहले वो कहते हैं कि आप अगर ये x जो है इसमें टाइम हो और h इसकी हाइट है, तो टाइम वो कहता है कि अगर 1 सेकेंड हो तो फिर कितनी हाइट पे आएगा, 60 मीटर से ड्रॉप किया गया है तो कितना फॉल करेगा वो। तो इसे वन में पुट करेंगे x की जगह, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आफ्टर 1 सेकेंड जो है वो 30 मीटर की हाइट पे होगा। सिमिलरली वो हमें बी पार्ट में पूछ रहा है 1.5 सेकेंड, ये आपने खुद पुट करनी है। इसी तरह 1.7 सेकेंड्स, तो डायरेक्ट एक्स की वैल्यू आपने यहाँ पुट करनी है तो ये कैलकुलेट हो जाएगी। अब इसमें जो सेकंड पार्ट है वो कहता है कि व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, कि जब उसे 60 मीटर की हाइट से फॉल किया गया है तो कितनी देर बाद यहाँ वो ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा, जमीन पे गिर जाएगा। तो जब ये व्हेन स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड तो अब उसकी हाइट जो होगी वो ज़ीरो हो जाएगी, यानी एच जो है वो ज़ीरो है। हमने अब यहाँ टाइम फाइंड करना है, पहले वो टाइम दे रहा था तो हाइट फाइंड कर रहे थे हम। तो इसे आपने इक्वेशन वन में पुट करना है, लेफ्ट हैंड साइड में एच ऑफ एक्स की जगह ज़ीरो, तो ये 40 माइनस 10 एक्स स्क्वायर, माइनस 10 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 40, 10 से डिवाइड करेंगे तो 4, और स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा हमें। तो स्क्वायर रूट लेने के लिए आपने प्लस माइनस नहीं लगाना क्योंकि ये टाइम है और ये पॉजिटिव ही होगा, तो आफ्टर 2 सेकेंड जो है ये ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में वो आपको पैरामीट्रिक इक्वेशंस दे रहा है। फर्स्ट पार्ट में x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280, तो कहता है कि ये रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। पैराबोला
हम नेक्स्ट आगे जाके 6th चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ से हमने ये बताना है कि ये दो इसकी पैरामीट्रिक क्वेश्चंस हैं, तो फ्रॉम टू ये इसमें टी जो है ये पैरामीटर है, तो टी की वैल्यू वाई इज इक्वल टू 2/a, इसे आप 1 में पुट करें, किसी एक क्वेश्चन से टी की वैल्यू लें और दूसरी में आपने पुट करनी है। तो ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए इंटू वाई ओवर 2a² टी के ऊपर स्क्वेयर है, वाई स्क्वेयर ओवर 4a² वाई स्क्वेयर ओवर 4a बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax विच इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला।